आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला होता क्या है और क्यों जरूरी है, इसी के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। तो ये जो केमिकल फार्मूला टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, ये 7 क्लास से शुरू होता है और फिर जब तक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आज जानते हैं इसके बारे में क्या है ये केमिकल फार्मूला, किसको बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि ये केमिकल फार्मूला होता क्या है, व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट का। इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल फॉर्मूला इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको सिंबॉलिक जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोलते हैं केमिकल फार्मूला। जैसे एक कंपाउंड है हमारा बहुत ही कॉमन है, नमक, जिसको हम लोग खाते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं इसको। इसको बोला जाता है NaCl, ये एक कंपाउंड है NaCl। इस कंपाउंड में उसका केमिकल फार्मूला हम लोग लिख दिया NaCl। तो इस कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है, एक हो गया सोडियम, एक हो गया क्लोरीन। तो उसके सिंबल को बस हम लोग लिख दिए तो ये इसका क्या बन गया, केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, एलिमेंट का जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या होता है ये हम लोग जान गए। अब हम लोग बातें करेंगे कि उसका कितना टाइप होता है, कितने प्रकार का वो होता है। तो केमिकल फार्मूला ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला मॉलिक्यूलर, इंपीरियल, स्ट्रक्चरल और रेशनल फार्मूला। ये 4 प्रकार के फार्मूला हैं, चारों को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि कौन फार्मूला कैसे लिखा जाता है। ठीक है, पहले टाइप में हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को दिखाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को दिखाता है जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट हो। इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जैसे सबसे जैसे वाटर H2O, ये एक मॉलिक्यूल है। इसमें इस फॉर्मूला से हमको क्या पता चलता है कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन, और दूसरा ऑक्सीजन। अब इसके एक्चुअल नंबर्स, एटम्स के एक्चुअल नंबर्स को भी ये बताता है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं इसमें, तो 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को अगर कोई फार्मूला बता रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताएगा, एक्चुअल नंबर, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम वेरियस एलिमेंट। जितना भी एलिमेंट उस कंपाउंड में होगा, उस मॉलिक्यूल्स में होगा, उसके एक्चुअल नंबर को बताएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl कॉमन एग्जांपल है। इसमें हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग को क्या क्या पता चल रहा है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन हो गया और दूसरा क्लोरीन। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसका हमको एक्चुअल नंबर भी पता चल रहा है, हाइड्रोजन कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1। तो अगर कोई फार्मूला से हम लोग को उसके एक्चुअल
एटम्स के एक्चुअल नंबर्स के बारे में पता चल रहा है और कौन कौन सा एटम है उसमें, उसको एलिमेंट है उसमें, वो पता चल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और भी एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं, जैसे NaCl, इसमें सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम का पता चल रहा है वेरियस एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम के बारे में पता चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को, ये क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला बहुत ही आसान है, केमिकल फार्मूला का दूसरा टाइप है ये। इसमें क्या होता है, केमिकल फार्मूला बताता है सिंपलेस्ट रेशियो को, इसको बताता है सिंपलेस्ट रेशियो, किसका सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। केमिकल फार्मूला क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। अब जो भी एटम उसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, प्रेजेंट इन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में जितना भी एटम प्रेजेंट है उसके सिंपलेस्ट रेशियो को अगर हम लोग लिखेंगे तो वो फार्मूला क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। अब सिंपलेस्ट रेशियो लिखने आता ही होगा, मैथ का टॉपिक है और केमिस्ट्री जो है वो मैथ का भाई ही होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथ का यूज इसमें होता रहता है। तो हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाम सुना होगा सभी ने, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये एग्जांपल है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का कितना एटम, 2, ऑक्सीजन का कितना, 2। तो अब इसके एटम का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होगा, एटम का सिंपलेस्ट रेशियो, तभी बनेगा एम्पिरिकल फार्मूला। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली कॉमन निकालते हैं, सेम टेबल से दोनों को काटते हैं। मैथ में पढ़ा होगा, जैसे मान लो 18/4 दिया है तो इसको सेम टेबल से काट देंगे, सबसे छोटा जो आएगा वही बच जाएगा, जैसे 2 से ये 2 बार में, फिर 2 से 9, अब ये नहीं कटेगा तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया, 9:2। सेम तरीका से हम लोग इसको काटेंगे, यहाँ 2 2 दोनों ही कट जाएगा, एक एक से क्या बचा, HO। तो ये जो आया HO, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला है। HO क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें इसके फार्मूला में जो था उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिए। दूसरा हम लोग देख सकते हैं बेंजीन के बारे में, बेंजीन का फार्मूला सबको पता होगा, बेंजीन का फार्मूला C6H6, बहुत आसान है, 6 से 6 कट जाएगा, रेशियो निकालेंगे सिंपलेस्ट क्या आएगा, CH। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH। यही था एम्पिरिकल फार्मूला, कुछ नहीं करना होता है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है एटम का, जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है सबके एटम को हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, वही लिख के काटने का, फिर जो आएगा वो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है।